हजारों मोबाइल नंबर्स को बिहार पुलिस के द्वारा डेटाबेस में डाला गया है, केंद्र सरकार से साझा किया गया है और उन नंबर्स को हमने ब्लॉक करा दिया है। और बिहार पुलिस इस मामले में देश के अन्य राज्यों के साथ लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर आप कॉल करें और पता। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, वो लोग कॉन्स्पिरेसी एंगल पे सभी पहलुओं पे आर्थिक अपराध इकाई, जैसा मैंने आपको कल बताया था, एक अलग से जांच करते हुए एक FIR दर्ज की है। उस FIR का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लोगों को वो रिमांड पर लेने की बात तैयारी कर रहे हैं। ये 5 लोग किसी संगठन से जुड़े थे, किस संगठन से जुड़े? अभी सारी देखिए, अभी कल गिरफ्तारी हुई है और कल गिरफ्तारी होने के बाद जब चार्जशीट हम सबमिट करेंगे, सारे तथ्य सामने आएंगे, हम आपको अवगत करेंगे। जैसे साइबर के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सेंटर्स बिहार के अंदर डेवलप हो गए हैं जहां से वो संचालित हो रहे हैं, तो क्या उन केंद्र को भी चिन्हित करेंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल, साइबर अपराध से निपटने की कई रणनीति है। 1930 जो कॉल सेंटर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कॉल सेंटर आम जनता के साथ, जिनके साथ में अपराध घटित हो गया है और जिनके पैसे निकल गए हैं और फाइनेंशियल नुकसान हो गया, उस नुकसान से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई के दृष्टिकोण से एक हेल्पलाइन सेंटर है। परंतु प्रथम दायित्व पुलिस का हमेशा ये रहता है कि अपराध न हो, तो उसके लिए साइबर अपराधियों को चिन्हित करना, उनका डोसियर बनाना, उनके द्वारा जो कार्यरत नंबर्स हैं उनको डीएक्टिवेट करना। मैं आपको सही संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी जानकारी है मेरे पास में कि हजारों मोबाइल नंबर्स को बिहार पुलिस के द्वारा डेटाबेस में डाला गया है, केंद्र सरकार से साझा किया गया है और उन नंबर्स को हमने ब्लॉक करा दिया है। जैसे ही हम लोगों को पता चलता है इस नंबर से रंगदारी मांगी जा रही है, उस नंबर्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी हम लोग लगातार करते हैं। और बिहार पुलिस इस मामले में देश के अन्य राज्यों के साथ लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कई अपराधी ऐसे हैं जो अंतर जिला अपराधी हैं, साइबर में मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी ज़्यादा हैं। बिहार में अगर कोई अपराधी है तो बिहार के बजाय वो दूसरे राज्यों में ठगी करता है। दूसरे राज्यों में जो अपराध कर्मी हैं वो उस राज्य में अपराध नहीं करके बिहार के लोगों के साथ ठगी करते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। तो ऐसे में अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो भी साइबर क्राइम की टीम करती है, लगातार डोसियर बना के चिन्हित, जो आपने कहा है, चिन्हित जगहों पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर साइबर अपराधी ज़्यादा, जिनकी एक्टिविटी रहती है, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, लगातार टीम बना के छापामारी करके, और कांडों के उद्भेदन में अगर उनका नाम आता है तो फिर उनको गिरफ्तार करके हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसमें से कुछ मुख्य गिरफ्तारियाँ और उपलब्धियाँ हैं, कुल 6 हमारे पास, जिनको कि मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहली मुख्य उपलब्धि है गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना में। इस थाना क्षेत्र से बैंक डकैती के अंतर जिला कुख्यात अपराध कर्मी रिपुंजय कुमार सिंह उर्फ रिपु और अंकुर कुमार सिंह उर्फ गोलू को अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार कर राजापट्टी बैंक डकैती कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें करीब 3,40,000 रुपये, मोबाइल, 2 देसी पिस्तौल, जिंदा गोली बरामद की गई। दूसरी मुख्य उपलब्धि है गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में, जिसमें से 16 नक्सली कांडों में आरोपित रहे रामजी भोक्ता और 2 नक्सली कांडों में आरोपित रहे मुकेश सिंह भोक्ता को चक्करबंद थाना क्षेत्र से CRPF, STF और जिला पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये जो अपराधी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, ये गया जिला के डुमरिया थाना में ग्राम मोनवार में 4 लोगों की नृशंस हत्या हो गई थी 2021 में नवंबर में, उसमें ये शामिल है। तो इस प्रकार से दूसरी उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि है मुंगेर में, जैसा आप लोगों ने कुछ मीडिया और समाचार पत्रों में हाईलाइट किया था कि माओवादियों के नाम पर शिक्षकों से लेवी वसूली जा रही है, उसका उद्भेदन किया गया और वास्तव में ये अपराध कर्मी थे जो इस तरह की वसूली कर रहे थे। उनमें से कुख्यात अपराध कर्मी रंजन बिंद और रणधीर कुमार को 7 अप्रैल को अभी गिरफ्तार किया। ये दोनों अपराध, रंजन बिंद और बाकी जो अपराधी है, मुंगेर जिले के विभिन्न थानों में अपहरण, रंगदारी, हत्या के पूर्व से एक दर्जन से ज़्यादा कांडों में आरोपित हैं।
तो इस प्रकार से इस हत्याकांड का उद्भेदन हुआ। चौथी मुख्य उपलब्धि है भोजपुर के कोइलवर थाना अंतर्गत, जहां पर कि कमालूचक देरा में बालूघाट के समीप अपराध की योजना बनाते हुए 9 अपराध कर्मियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें से देशी पिस्तौल, कट्टा, कारतूस, खोखा इत्यादि बरामद किए गए। गिरफ्तार संजय पांडे के विरुद्ध कोइलवर थाना में 9 कांड, शुभम सिंह के विरुद्ध 2 कांड तथा दीपक कुमार के विरुद्ध 1 कांड पहले से अंकित है। इस प्रकार से ये सारे अपराध कर्मी 9 एक साथ बैठ कर कोई योजना बना रहे थे, उसमें सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई। पांचवी मुख्य गिरफ्तारी है समस्तीपुर के नगर थाना में। इसमें दिसंबर 2022 में एक डकैती हुई थी। उस डकैती कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 3 कुख्यात अपराध कर्मियों श्याम राय, दीपू कुमार और आयुष ताती को अवैध आग्नेयास्त्र, 2 देसी पिस्तौल, देसी कट्टा, लूट के 2 लाख रुपए, 6 गोली, चाकू, मोबाइल इत्यादि के साथ गिरफ्तार कर दिसंबर 2022 की डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया गया। छठवीं मुख्य उपलब्धि जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत बेगूसराय जिले से है, जिसमें बेगूसराय के साहबपुर कमाल क्षेत्र में कुख्यात अंतर जिला अपराध कर्मी बाना राय उर्फ बंटी राय को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी बेगूसराय और मुंगेर जिला के विभिन्न थाना में कई कांड अंकित हैं। इसमें देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस 46, 46, खोखा, मोबाइल इत्यादि बरामद किया गया। इस प्रकार से 6 उपलब्धि क्रमशः बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर, मुंगेर, गया और गोपालगंज की थी, जिनको भी मैंने आपको cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर आप कॉल करें और पता। तो साइबर क्राइम के संबंध में ये जानकारी आपको दी। दूसरी जानकारी मैं अपनी देना चाहता हूँ, अपनी बिहार पुलिस की जानकारी देना चाहता हूँ और बिहार पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर इसका लोकार्पण किया गया, शुभारंभ किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य आमजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार पुलिस की आधिकारिक सूचना साझा करना, उनकी समस्याओं, सुझावों को सुनना ये है। इसमें मार्च 2023 में बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पर लगभग 43,000 नए फॉलोवर जुड़े और साथ ही साथ 1,00,000 से अधिक लोगों के द्वारा बिहार पुलिस को मेंशन किया गया अपनी पोस्ट में और अपने राय, सुझाव और कमेंट इसमें अंकित किए गए। मार्च 2023 में फेसबुक पेज के माध्यम से 19,283 नए फॉलोवर हमारे जुड़े और लगातार अब बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर उसकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। मार्च 2023 में बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल के इम्प्रेशन 20 मिलियन अर्थात 2 करोड़ से अधिक इम्प्रेशन उनके गए और बिहार पुलिस के फेसबुक पेज का रीच 13,00,000 से अधिक रहा, जो शेयर हुए और शेयर होने के बाद जो लोगों के बीच पे। उपरोक्त आंकड़ा आमजनों का पुलिस के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। बिहार पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप मीडिया के माध्यम से ये चाहूँगा इस बात को आम जनता तक पहुँचाने के लिए अधिकृत सूचनाओं के लिए बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर